नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव के बाद अब बिहार में इस साल नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि पंचायत आम चुनाव के पहले ही सरकार की तरफ से 325 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त करते हुए उनको नगर निकाय क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अलग अंदाज में होने वाला है। आमतौर पर आपने यही देखा होगा कि मेयर का चुनाव चुने गए पार्षदों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इसके ठीक उलट जनता के हाथ में मेयर के चयन की बागडोर होगी, यानी कि अब उनका चयन जनता द्वारा किया जाएगा। अब साफ है कि पार्षदों के साथ साथ मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी वोटिंग की जाएगी। झारखंड सहित देश के कई राज्यों में इस व्यवस्था को हालांकि बहुत पहले ही लागू कर दिया गया है, अब बिहार में भी इसको लागू करने की तैयारी हो रही है। खबरों की माने तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार के विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट के सामने जल्द ही पेश किया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्यपाल की तरफ से इसको मंजूरी देने का काम होगा, जिसके बाद ही जनता के हाथ में मेयर के चयन की बागडोर दे दी जाएगी। हालांकि पंचायत चुनाव की बात करें तो इस दौरान यही देखा गया था कि जिप अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कई सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और सदस्यों की खरीद फरोख्त के कई मामले सामने आ चुके हैं। नगर निकाय चुनाव में ऐसा ही खेल देखने को ना मिले, इसको लेकर सरकार व्यवस्था में बदलाव चाहती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुजफ्फरपुर नगर निगम, जहां पर साल 2017 से अब तक 4 बार मेयर के चुनाव का काम हो गया है। इसका कारण विकास के काम प्रभावित हुए हैं। इसी साल अप्रैल मई में संभावित निगम चुनाव से पहले सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तरफ काम कर रही है। विधि विभाग भी अब इस पर सहमत नजर आ रहा है। इन सबके बीच चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर राज्य में कुल 262 नगर निकायों से संबंधित जानकारी तलब की है। इनमें 19 को नगर निगम, 89 को परिषद और 154 नगर पंचायत क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट को शामिल करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जिलों से रिपोर्ट मिलने के साथ ही आयोग नगर निकायों के चुनाव की तैयारियों को बढ़ाने जा रहा है। इसको लेकर ही बिहार के सभी 38 जिलों से नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगर निकायों की जनसंख्या का आंकड़ा मांगा गया है, जिसके बाद अब नगर निकाय चुनाव में इस बदलाव से सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।